स्कॉर्पियो माइक्रो हैवी VLX 2013 मॉडल। आप यहाँ पे देखेंगे क्लियरली पता चलेगा 2013 मॉडल। इसमें हमारा स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन प्लस एक्स। देखिए ये हमारा स्कैन प्लस एक्स लगा हुआ है। इसका जो स्कैनर का कनेक्टर का लोकेशन ये है, इसमें लाइन आ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका इग्निशन ऑन करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। उसमें एक्चुअली गाड़ी बहुत दिन से रखा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अपना स्कैनर लगा दिया है मैंने स्कैन प्लस एक्स, और इसको स्कैन प्लस एक्स लगा के अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन प्लस एक्स पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद हम सर्विस फंक्शन में जाते हैं, फिर यहाँ पे ईमो में जाते हैं, ओके करते हैं। फिर यहाँ पे जाके ओके किया मैंने। अब यहाँ जाते हैं नीचे की तरफ, इंडियन कार्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे महिंद्रा में जाना है, न्यू मेन्यू में जाना है, इमोबिलाइजर में जाना है। यहाँ पे हम लोग ओके किया, DTC में जाते हैं, एक बार इरेज इंजन DTC करेंगे, हो गया। एक बार इरेज ईमो DTC करेंगे, ओके। फिर बैक जाएंगे और यहाँ पे हमें ईमो सिंक पे क्लिक करना है। मेरे पास एक चाबी है, एक पे क्लिक किया, ओके करेंगे। ओके किया फिर से। अब बोला है कि क्लियर DTC ऑफ इंजन ECU एंड इमोबिलाइजर ECU एंड स्विच ऑफ 2 मिनट, ओके किया मैंने। बैक जाएंगे यहाँ से, DTC में जाएंगे, एक बार इरेज इंजन DTC, ओके। फिर ईमो DTC क्लियर करेंगे, ओके करेंगे। अब हम गाड़ी को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये निकाल देते हैं और वेट करते हैं 2 मिनट तक, उसके बाद फिर आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों हमारा 2 मिनट तक वेट हो गया है लगभग। अब हम इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं और दिखाते हैं। ये सारी लाइटें आ रही है, ये लाइट जो है अभी आपका सेंसर निकला हुआ उसकी वजह से आ रहा है। एयर मीटर वाला सेंसर है और चार्ज प्लेस वाला सेंसर है। अब हम आपको स्टार्ट करके दिखा देंगे, आप देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है इस तरीके से। इसका जो इंजन का आवाज़ है वो भी आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। ये गाड़ी बहुत दिन से रखा हुआ था जिसकी वजह से इसका इंजन लॉक हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो एस्केलेटर है वो भी काम कर रहा है। सो आप इस तरीके से स्कैन प्लस एक्स का इस्तेमाल करके अपने जो गाड़ी है VLX 2013 मॉडल का आप ECU अनलॉक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।